नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैभव माथुर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड राजस्थान फर्स्ट मूवमेंट डिसऑर्डर पार्किंसन स्पेशलिस्ट। वैभव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पार्किंसन दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसके? नमस्कार आप सभी श्रोताओं को। विश्व पार्किंसन दिवस इस बीमारी के लक्षणों के बारे में, इसकी जागरूकता के बारे में एक अवेयरनेस के लिए कैंपेन है जो पूरे देश में, इनफैक्ट विदेशों में मनाया जाता है। 11 अप्रैल की डेट में मनाया जाता है। हम लोग इसको आज सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के और हमारे जयपुर के कई सारे पेशेंट्स, 60 के ऊपर के जो हैं पार्किंसन के जो पेशेंट्स हमारे बीच में हैं, उन सबको बुला के एक जागरूकता महाशिविर का आयोजन किया। इसमें हमने उन बीमारियों के लक्षण, उसके लिए जो इलाज हैं, उसके लिए इनके लिए जो अवेलेबल फिजियो योगा की नई नई चीज़ें आई हैं जिससे इनका इलाज बेहतर हो सके, उसके बारे में चर्चा की। इसके अलावा हमने छोटा सा एक फिजियो का सेशन करवाया, एक अच्छा मेडिटेशन का सेशन किया जिसे सभी पेशेंट्स ने बहुत इन्जॉय किया। और इस तरह के शिविर हम लोग हर साल इसी समय पे लगाते हैं। पिछले साल वाला भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और इस बार भी काफ़ी अच्छी अटेंडेंस के साथ ये पूरा हुआ। क्या है पार्किंसन बीमारी? बिल्कुल, तो पार्किंसंस नाम मुझे लग रहा है कई सारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। पार्किंसन बीमारी एक एल्डरली में होने वाली डोपामीन की कमी से होने वाली बीमारी है। आपके ब्रेन में जो डोपामीन नाम का हार्मोन है, वो निकलने वाली जो ग्रंथियां हैं वो धीरे धीरे सूखने लगती है। इसकी वजह से आपके अंदर 3-4 लक्षण चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे हाथों में कंपन होना, आप सुना होगा कि सर ये थोड़े से हाथ हमारे शिवर करते हैं, कांपते हैं। कंपन के साथ साथ धीमापन, बॉडी बहुत स्लो हो जानी, धीरे धीरे आप चल के जाएंगे, वॉकिंग बहुत ही छोटे छोटे कदम के साथ होगी। इसके साथ बैलेंस की दिक्कतें, आपका गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लगेगा कि मैं बार बार गिर सकता हूँ। और बॉडी बहुत टाइट हो जाना, जकड़न। तो ये 4 सिम्टम्स, कंपन, धीमापन, जकड़न और असंतुलन, यही बीमारियों के कॉम्बिनेशन को हम लोग पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इसका प्रिवेलेंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया अब जो है काफ़ी बड़ी तादाद में पेशेंट्स पार्किंसन से ग्रसित हो रहे हैं और इवन यंगर पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा इससे ग्रसित हो रहे हैं। क्या कारण है जो पार्किंसन बीमारी होती है, इसके क्या मुख्य लक्षण हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो सबसे कॉमन कारण, आप मुझे पूछेंगे कि 60 के या 62 के बाद अगर ये पार्किंसन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये डीजेनरेटिव कारण है, आपके ब्रेन के सूखने की वजह से हो रहा है। यंग पेशेंट्स, जिनको हम कहते हैं YOPD, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़, ये पेशेंट्स 40 के बाद में ही पार्किंसन के सिम्टम शो करने लगते हैं। यहाँ पे जेनेटिक कारण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ जीन्स हैं पार्किंसन के जो उनको माँ बाप से नहीं मिल पाए, या फैमिली के अंदर ये डिजीज़ कई बार चलती है। यहाँ तक कि हमने कुछ पेशेंट्स 20 के बाद भी देखे हैं। तो इस तरह से जितने यंग एज ग्रुप आएगा वहाँ पे जेनेटिक कारण ज़्यादा है, जितना बड़ा एज ग्रुप आएगा वहाँ पे डीजेनरेटिव कारण ज़्यादा है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एनवायरमेंटल या बाहर से आपको पार्किंसंस दे रहा है, जैसे कुछ मेडिकेशंस, कुछ डॉक्टरी परामर्श के बिना लेने वाली कुछ गैस की दवाइयों से, कुछ साइकेट्री की दवाइयों से पार्किंसंस हो सकता है अगर आप उनको बिना परामर्श के ले रहे हैं तो। इसके अलावा कभी कभी आपके अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स, हमारे कुछ किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इनसे रहते हैं, इन सब से भी पार्किंसंस बढ़ सकता है। फूड में देखा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्किंसंस के ये 3 बड़े ग्रुप हैं, जेनेटिक कारण, डीजेनरेटिव या ब्रेन सूखने के कारण, और एनवायरमेंटल या बाहर से होने वाले कारण। इसमें योगा कितना इफेक्टिव है? बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव है। सो जैसा मैंने बताया, डोपामीन की कमी से ये बीमारियाँ हो रही हैं। हम लोग बाहर से डोपामीन की टैबलेट्स, डोपामीन के इंजेक्शन, इन सबको यूज़ करके मरीजों को, एलोपैथ में इस तरह से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं है जब तक हम लोग पेशेंट्स को फिजिकली इंप्रूव ना करें। तो 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, फिजियोथेरेपी और जैसा आपने पूछा योगा का। फिजियोथेरेपी से हम बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, बॉडी की वॉकिंग की ट्रेनिंग पे काम करते हैं, बैलेंस पे काम करते हैं। और उसी तरह से योगा के अंदर पेशेंट्स का साइकोलॉजिकल पार्ट इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। डोपामीन, अगर आपने सबने सुना हो, हैप्पी हार्मोन कहलाता है अपना, तो इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पे योगा या मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है, और पेशेंट्स के अंदर वो साथ साथ अगर हम चलाएं तो ओवरऑल बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मेडिसिन कितना इफेक्टिव है इसमें? मेडिसिन का भी रोल काफ़ी अच्छा पाया गया है। सो डोपामीन की जहाँ पहले 1 या 2 ही तरीके की टैबलेट्स आती थी, अब हमारे पास करीब 6 तरीके के डोपामीन टैबलेट्स अवेलेबल हैं। और उनको अलग अलग समय पे देके, अलग अलग डोजेज में देके, उम्र के हिसाब से, उनके वजन के हिसाब से, हम लोग पेशेंट्स का पूरा दिन एक नॉर्मल इंसान की तरह रख सकते हैं, और उनकी जितनी डिसेबलिंग बीमारी सही डोजेज के साथ काफ़ी फायदा करती है। मतलब कितने समय का टाइम पीरियड रहता है ये पूरा सही होने में? सही होने में कह सकते हैं कि ये डायबिटीज़ जैसी बीमारी, आप समझें कि भाई डायबिटीज़ को वापस तो जाना मुश्किल है, लेकिन आप दवाइयों के साथ डायबिटीज़ के पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल इंसान के जैसे रख सकते हैं। उसी तरह पार्किंसन के पेशेंट्स को भी अगर उनके लक्षणों के हिसाब से सही डोपामिन की डोजेज मिले, तो इतनी जो गंभीर बीमारी है इसको हम लोग अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं।
कोई इसका ऑपरेशन नहीं, ऐसा भी कुछ सर्जरी ये सब भी कुछ होता है जिससे छुटकारा मिल पाए इस बीमारी से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब रही बात आधुनिकीकरण की कि क्या इसके अंदर नई क्या क्या चीज़ें आई हैं। जैसा पहला मैंने बदलाव बताया कि डोपामिन के नई नई तरीके के फॉर्मुलेशन आने लगे हैं। दूसरा, इसके लिए एक इंजेक्शन यूज़ होने लगा है, एपोमॉर्फिन इंजेक्शन, जिसका पंप पेशेंट्स को पूरे दिन डोपामिन दे सकता है। और तीसरी, जैसे अभी आपने चर्चा करी, इसकी एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी हम लोग राजस्थान में लाना चाह रहे हैं। अभी ये फिलहाल दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद और कोची, इन 5-6 जगहों पे और कोलकाता, इन जगहों पे हो रही है। डीबीएस सर्जरी एक सर्जरी है जिसमें हम लोग पेसमेकर से पेशेंट का डोपामिन चला सकते हैं। जैसे हार्ट के लिए पेसमेकर लगाने से मरीजों का हार्ट वापस चालू हो जाता है, उसी तरह से ब्रेन का ये पेसमेकर आपको आपकी पार्किंसंस की बीमारी से काफ़ी हद तक रिलीफ दे सकता है। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी इसके लिए आ गई। तो ये क्या कॉस्टली है या फिर नॉर्मल रेंज में? नहीं, ये कॉस्टली सर्जरी बिल्कुल है, क्योंकि इसके जो पेसमेकर लगते हैं वो विदेश से आते हैं, बोस्टन, मेट्रोनिक, इस तरह की कंपनियों के। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये सर्जरी कभी भी इमरजेंसी नहीं होती। हम लोग अपने पेशेंट्स को पहले 3-4-5 साल में ही थोड़ा सा अवगत करा देते हैं कि हो सकता है आने वाले 4-5 साल में हम लोगों की लगानी पड़े इस पेसमेकर सर्जरी को। और इस तरह से मरीज पहले से ही अपनी थोड़ी सेविंग्स, थोड़ा इंश्योरेंस और थोड़ा सा मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली खुद को तैयार कर सकते हैं। और इस तरह की सर्जरीज स्पेशली 5-6 साल के बाद ही ज़्यादा कारगर है, इनिशियली तो इसको यूज़ भी नहीं करना है हम लोगों को। तो इसकी अभी जो अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला रहे हैं, तो कितने अवेयर रहते हैं इस चीज़ के लिए? क्या इतनी अवेयरनेस है इस बीमारी के लिए लोगों में? कम है, अभी अवेयरनेस काफ़ी कम है, क्योंकि सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, इन लक्षणों को ही इग्नोर कर दिया जाता है। हम लोग अपनी फैमिली में भी देखते हैं कि भाई अगर कोई पेशेंट एजेड है, 70s में है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो उस मान लिया जाता है कि उम्र के साथ थोड़े धीमे हो गए हैं या गठिया की वजह से शायद नहीं चल पा रहे हैं। और इस वजह से ये लक्षण 2-3-4 साल बाद न्यूरोलॉजिस्ट के सामने आती है और तब हमको समझ में आता है कि ये बीमारी उस तरह की है। तो मैंने इसी वजह से पार्किंसंस और मूवमेंट डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइजेशन किया है, एसएमएस से मैं निकला था उसके बाद, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं इनके अंदर राइट टाइम पे ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव है, लेट के अंदर ट्रीटमेंट धीरे धीरे उसकी इफेक्टिवनेस कम होने लगती है। तो इसकी जागरूकता इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जैसे शिविर हम जो कराते हैं, इसमें हम 60+ के लोगों को इसीलिए बुलाते हैं ताकि अगर उनको ये बीमारी ना भी है, लेकिन अगर उनको इन लक्षणों से समझ में आता है कि किसी ना किसी उनके रिश्तेदार को या उनके किसी शुभचिंतक को इस तरह की दिक्कतें हैं, तो समय पे वो डॉक्टरी परामर्श ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वैभव जी आपका।